कहिए कैसे हैं आप? खुद से नफरत करना बंद करें। कल की बात है, जैसे आप सब लोग YouTube पर वीडियोस के नीचे अपने अपने कमेंट्स, अपने अपने मैसेज लिखते हैं ना, अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। कल मैं ऐसे ही वीडियोस देख रही थी, नीचे के कमेंट्स, उनको जैसे देख रही थी कि क्या क्या लिखा है। तभी एक कमेंट पर मेरी नजर गई और उसी पर ही स्टक हो गई एकदम से। मतलब मैंने ये सोचा कि ये लिख क्या दिया इन्होंने। उस कमेंट में क्या लिखा हुआ था कि मैं 30 इयर्स की हूँ, जो जिन्होंने लिखा था कि मैं 30 साल की हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी से नफरत करती हूँ। मैं एकदम से सन्न रह गई कि ऐसे कोई कैसे कह सकता है। मतलब ज़िंदगी से नफरत कर क्या रहे हैं हम? मुझे इतना महसूस हुआ। मैंने और सब कमेंट्स उस समय छोड़ दिए कि बाद में देखूंगी उनको, पहले मैं इनसे बात करती हूँ कि क्या हुआ, क्या है, क्या बात है। फिर मैंने उनसे बात की। बाय चांस जैसे ही मैंने उनको कमेंट लिखा, उसी कमेंट के नीचे तो उनका जवाब आ गया। फिर हमारे ना कुछ कमेंट्स एक्सचेंज हुए। मैंने पूछा कुछ, मैं जानना चाह रही थी, उन्होंने बताया। तो ऐसे करके मैं उनको कम से कम एक सहमति पे ले आई। थोड़ा सा मैंने उनको मनवा लिया। फिर बाद में मैंने ये सोचा कि ऐसी सोच बहुत लोगों की हो सकती है जैसी इनकी है, इस तरह की सोच जिसका एक तरह से कहा जाए कि बेसिर पैर की होती है। तो ऐसी सोच बहुत लोगों की हो सकती है, तो क्यों ना जो मैंने उनसे बात शेयर की, जो उन्होंने कहा कि मैं तो खुद से नफरत करती हूँ, तो वो चीज़ें मैं आपसे भी शेयर करूँ। तो वही मैं लेके आई हूँ, 7 बातें कि हम खुद को बदल सकते हैं। कुछ बातें अपनाकर हम खुद को इस तरह की फीलिंग से बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या है वो बातें, मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। सबसे पहले तो बात आती है कि अपना नजरिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कीजिए। बहुत जल्दी कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये जो कंपेयर करते हैं ना, उससे और ज्यादा नेगेटिव, और ज्यादा डिमोरलाइज होते रहते हैं। कैसे कि जैसे मान लो एक लेडी है, वो टीवी देख रही है, बहुत सुंदर सी उसमें मॉडल आई हुई है, तो देख के भाई कितनी सुंदर है ये, कितनी खूबसूरत है, किस तरह से इसने मेंटेन करके रखा है, कितना कमाती होगी। और मैं कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ क्या सोच रहे हैं, मतलब थोड़ा तो सोचिए। फिर ना आप एक चीज का ये भी ध्यान रखिए कि हर एक कोई परफेक्ट नहीं होता, हर एक में हर एक चीज नहीं होती। हो सकता है आज वो चलो सुंदर है, कोई और चीज हो उसमें, या चलो सुंदर भी अगर हम इस वजह से मान लें कि हो सकता है बहुत सारा मेकअप किया हो, ऐसी कोई बात ही ना हो, वो भी बिल्कुल ऑर्डिनरी हो, हमारी तरह ही हो। ये जो कैमरा आ गया, लाइट्स आ गई, मेकअप आ गया, इसकी वजह से वो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हो। तो अपना नजरिया की कोई बात नहीं, हर एक कोई परफेक्ट नहीं होता, हो सकता है इसमें कोई ना कोई कमी हो। हम इस तरह से अपने आप को समझा सकते हैं। तो कंपैरिजन करना बंद करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कीजिए। फिर दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि जो चीज़ें हमें ट्रिगर करती हैं, हमें उकसाती हैं, मतलब हमें और ज़्यादा निराशा में ले जाती हैं, हमारा मूड ऑफ कर देती हैं, उनसे दूरी बना के रखें। हम खुद को कोसना शुरू कर देंगे, अपना मूड खराब करके बैठ जाएंगे, और क्या करते हैं, नशे में चले जाते हैं। नशा लेना शुरू कर दिया, खुद को कमरे में बंद कर लिया, ओवर ईटिंग करनी शुरू कर दी, बहुत सारी ऐसी चीजें नेगेटिव करने लगते हैं सिर्फ तब जब हम ट्रिगर हो रहे होते हैं, जब वो बातें हमें उकसा रही होती हैं। मतलब हम पूरी तरह से टूट चुके होते हैं, बिखर चुके होते हैं। तो ये चीज नहीं करनी, इससे बाहर निकलना है। ये चीज को तो बिल्कुल कर लीजिए, मान के रखिए। देखिए बहुत महसूस हुआ मेरे को, बार बार उस लेडी का याद आ रहा है कि किस तरह से उसने लिखा कि मैं अपनी जिंदगी से नफरत करती हूं। ऐसे होता है कोई? कितनी प्रेशियस है ये जिंदगी, और इस तरह से करते हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें बता रही हूं जिनको हम डेली यूज में अपनाकर इन चीजों से दूरी बना के रख सकते हैं, यानी हम खुद को बेटर कर सकते हैं, यानी हम खुद से प्यार कर सकते हैं। फिर आता है इसमें तीसरा पॉइंट कि अपनी जो कोर वैल्यूज है ना, उस पर फोकस कीजिए। अपनी इनर स्ट्रेंथ क्या है उसको पहचानिए। हर एक में होती है ना कोई स्ट्रेंथ जिसको पता है। जैसे कि मान लीजिए एक लेडी है और वो कह रही है कि मैं सुंदर नहीं हूं, पर उसकी नेचर बहुत केयरिंग है। वो हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। मतलब कोई ना कोई खास बात है ना, तो उसको पहचान कर और उस पे काम करना है, उस चीज को ज्यादा उभारना है। देखिए बहुत फर्क पड़ेगा।
जो चीज में आपकी मतलब जैसे जो स्ट्रेंथ है आपकी, उस पे आप काम कर रहे हैं, उस चीज को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल रहे हैं, तो जो चीज नेगेटिव आपको कर रही है ना, वो ऑटोमेटिकली दब जाएगी। तो अपनी अच्छाइयाँ, अपने प्लस पॉइंट्स बाहर निकालिए, अपनी स्ट्रेंथ देखिए और उस पर काम कीजिए। फिर आता है इसमें चौथा पॉइंट कि अपने आप से प्यार कीजिए। अपने आप से, अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट बना के रखें। ऐसे नहीं डरे हैं, सहमे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, कॉम्प्लेक्स आया हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहे, हिचकिचा रहे हैं, दांत नाखून चबा रहे हैं, मतलब बहुत तरह की हम चीज़ें करते हैं। उसको कॉन्फिडेंट बनाने, उसको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए आपको अपनी बॉडी से प्यार करना पड़ेगा। कैसे? कि आपको नींद अच्छी लेनी पड़ेगी, आपको अपनी डाइट का ख्याल अच्छा रखना पड़ेगा, आपको जो पहनावा है वो अच्छा रखना पड़ेगा, आपको हर रोज योगा, मेडिटेशन, वॉक, जो पसंद है वो करना पड़ेगा, पर करना पड़ेगा। हर रोज शीशे के सामने खड़े होइए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप से बात करते हुए अपनी तारीफ कीजिए। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट कि हमें पॉजिटिव रहना है। बहुत जल्दी हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं, बस ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, ये तो ठीक हो ही नहीं सकता। नहीं, इससे बाहर निकलिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। उसके लिए पॉजिटिव जो आपकी कंपनी है, जो आपका सर्कल है, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, जो जो लोग पॉजिटिव ज़्यादा सोचते हैं ना, उनसे ज़्यादा के ज़्यादा साथ बना के रखिए, और जो लोग नेगेटिव हैं उनसे तो तुरंत एकदम से तो दूरी बना के रख लीजिए, मतलब थोड़ा सा इग्नोर करके ना उनसे दूरी बना के, पर पॉजिटिव लोगों के साथ। और नेट पे कितनी वीडियोस भरी हुई हैं पॉजिटिव वाली, जिनको देख के पॉजिटिव फीलिंग आती है, बहुत फर्क पड़ता है। एक ऐसी ना वीडियो मैंने ही बनाई थी, वो भी बहुत ज्यादा पसंद की गई थी कि मैं सुंदर नहीं हूं, इसके बारे में मैं उसका लिंक नीचे दे रही हूँ, वो भी जरूर देखिएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, ये हमें बिल्कुल डाउन 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 करते जाते हैं, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है। आप अगर मन में यही सोच लेंगे ना कि हाँ परफेक्ट कोई नहीं होता, कोई ना कोई कमी तो हर एक में होती है, तो हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं अपनी इनर स्ट्रेंथ जानकर। सिक्स पॉइंट है इसमें कि दूसरों की मदद करना शुरू कर दीजिए। इस चीज से अगर बाहर निकलना है तो दूसरों की मदद बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार करके देखेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको दिल से खुशी होगी, दिल से अच्छा लगेगा। दूसरों की मदद देखिए, जैसे कोई फैमिली में है, कोई रिलेशन में है, उनकी मदद कर दी, या चलो एज ए वॉलेंटियर काम कर दिया, अपनी सेवाएं दी, निस्वार्थ भाव से सेवाएं दी। जैसे कोई लड़की बहुत गरीब है, उसको पढ़ा दिया, गर्ल चाइल्ड के बारे में, पर्यावरण के बारे में, कितने सारे सोशल इश्यूज हैं उन पे काम कीजिए, देखिए कितना अच्छा लगेगा। और अगर वो भी नहीं समझ आ रहा, तो आपका कोई अपना एक्सपीरियंस होगा, आपकी कोई नॉलेज होगी, उसको शेयर कीजिए। जो आपको लग रहा है कि ये अनुभव मेरे साथ हुआ, मैं बताना चाहता हूं कि ये दूसरों के साथ ना हो, वो शेयर कीजिए। कितनी सारी चीजें हैं देने को, और आप क्या कर रहे हैं, खुद से नफरत कर रहे हैं। कई बार ना कुछ कमेंट्स तो इतना टच कर जाते हैं ना, दिल को छू जाते हैं, मतलब मुझे लगता है कि कैसे भी करके ना इनके माइंड को ना बिल्कुल क्लियर कर दो, ब्रेन वॉश कर दो, इनका सोच क्या रहे हो। फिर बात आती है इसमें लास्ट पॉइंट यानी सेवेंथ पॉइंट, खुद को बिजी रखिए। जहां हम खाली बैठे, जहां हमने फिर फालतू का सोचना शुरू कर दिया, इस चीज से बाहर निकलना है। ये चीज तो मैं मेरे ख्याल कितनी कमेंट्स में कितनी बार लिखती हूँ कि खुद को बिजी रखिए। खुद को देखिए, पहले तो अपना इंटरेस्ट कि मेरा क्या शौक है, मैं क्या कर सकता हूँ, या मेरे अंदर क्या खास बात है, उसके ऊपर काम करके और फिर उसको अप्लाई करना किसी ना किसी चीज में। जैसे नेट पे ही है, अगर मान लो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो अपना इंटरेस्ट को 1 2 3 4 लिख के और एक एक करके उसको नेट पे सर्च कीजिए कि इसमें मैं और बेटर क्या कर सकता हूँ। देखिए जो इंटरनेट है ना, आज की डेट में एक तरह से ब्लेसिंग्स ही है। घर बैठे बैठे हम पता नहीं क्या का क्या कर सकते हैं, नॉलेज गेन भी कर सकते हैं, नॉलेज शेयर भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। तो क्रिएटिव बनिए, कुछ ना कुछ, खाली नहीं बैठना, बहुत जरूरी है। देखिए ये जो जो हमारी ये सोच है कि खुद से ही हम नफरत करते हैं, इस सोच से बाहर निकलने के लिए हमें एक तो पेशेंस रखनी पड़ेगी, अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। हाँ मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। खुद को चैलेंज कीजिए और कर भी सकते हैं, भरोसा रखिए।
एक मैंने बहुत खूबसूरत सी लाइन पढ़ी थी कि भरोसा अगर खुदा पे है तो जो तकदीर में लिखा है वो मिलेगा। भरोसा अगर खुदा पे है तो जो तकदीर में लिखा है वो मिलेगा, पर अगर भरोसा खुद पे है तो खुदा वही लिखेगा, खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। अब बताइए, बाहर निकलना इससे बहुत जरूरी है। ये तो थे देखिए मेरे पॉइंट्स, आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या सोच रखते हैं कि हाँ अगर कोई इस तरह की सोच रखता है, इस तरह की फीलिंग है उसमें, तो उसको किस तरह से बाहर निकलना चाहिए। वैसे इस तरह की ना कुछ वीडियोस मैंने बनाई हुई है, मैं नीचे लिंक दे रही हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।